हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ हूँ। एलडीसी 2018 27 मार्च, यानी कि आज के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके साथ लेकर डिस्कस करने के लिए। हम डिस्कस करते हैं जीएस और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सोनार, सोनार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, स्पीड इक्वल्स टू 2 * डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला था। आपसे स्पीड पूछी गई थी, डिस्टेंस और टाइम आपको दिया गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कल क्वेश्चन आया था कि जो श्रीलंका का नेशनल फसल कौन सी है, नेशनल क्रॉप कौन सा है। तो आज क्वेश्चन आया है उसी बेस पे, उसी पैटर्न पे, व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का फ्रूट पूछ लिया गया है, वो है जैक फ्रूट, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंट्रीज हैं आसपास की, इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी के नेशनल फ्रूट और नेशनल क्रॉप आपको याद करनी है, ये आप नोट कर लीजिए। तो हर बार, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एक ही पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था हु वाज अवार्डेड एज मदर टेरेसा अवार्ड, ये भी क्वेश्चन पैटर्न सेम है इसका भी। तो इसका सही आंसर था प्रियंका चोपड़ा फॉर सोशल जस्टिस। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि इनमें से मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का खिताब किसको नहीं मिला था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन अवार्ड पर फिर से पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी के आसपास जितना भी आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो करके याद कीजिए। उसके बाद पूछा गया था विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, तो इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी अमरकंटक से शुरू नहीं होती है, ये इसका सही आंसर है। कल पूछा गया था, कल भी एक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जितने भी 25 के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। अगर कल पूछा गया था कि इस नदी का ओरिजिनेट, मतलब इसका रीज़न कहाँ पे है, ये कहाँ से शुरू होती है, तो आज पूछा गया ये कहाँ से शुरू नहीं होती है, कौन सी नदी अमरकंटक से शुरू नहीं होती है। तो मतलब लिंक है, कल भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज जो पूछे जा रहे हैं, और अगले आने वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक दूसरे से लिंक्ड क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पूछा गया था इन विच लेयर ऑफ अर्थ थंडरिंग अकर्स, कौन सी लेयर में अर्थ की बिजली कड़कने की घटना जो होती है वो कौन सी लेयर में होती है। तो वो होते हैं टोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। टोपोस्फेयर जो है पहली लेयर है अर्थ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टोपोस्फेयर आता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर सबसे बाद में आता है, एक्सोस्फेयर मतलब सबसे एंड में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल भी आया था, कल पूछा गया था कि अर्थ का सबसे लास्ट लेयर कौन सी होती है, तो होती एक्सोस्फेयर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आया था आपके पास हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, ये क्वेश्चन एज इट इज फिर से रिपीट हुआ, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एनी बेसेंट इनका नाम है। उसके बाद पूछा गया था हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कितने लेवल होते हैं, तो उसके अंदर है 3 लेवल, ये क्वेश्चन नया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया था विच लॉन्च्ड इंडिया बिगेस्ट म्यूनसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम, सबसे बड़ा म्यूनसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम इंडिया में कहाँ शुरू हो गया था, तो उसका सही आंसर पुणे, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अब क्वेश्चन आया व्हाट इज़ द रो टैग ऑफ HTML। कल क्वेश्चन ये ही पूछा गया था कि HTML लैंग्वेज में रो या कॉलम को मर्ज करने के लिए क्या कोड यूज़ किया जाता है, तो आज पूछ लिया गया है रो टैग ऑफ HTML। तो यह है TR, ये आपको याद रखना है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टू मोड कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन नया है। टू मोड्स होते हैं, एक तो होता है सेक्चुअल और होता है असेक्चुअल मोड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद पूछा गया था सिनोनियम एंटोनियम, आपसे पूछे गए थे इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे पास आए,
तो आपसे पूछा गया था ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होते हैं लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं, छोटी सोच के होते हैं, पुराने रूढ़िवादी जो होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया था पेंचेंट, पेंचेंट किसी चीज़ की शोक, शोकिया, फाउंडनेस, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था रेक्टिट्यूड, इसका सही आंसर था होनेस्टी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद पूछे गए थे कुछ इडियम्स, जैसे उनमें था स्टेप एट अ एट द बैक, स्टेप एट द बैक तो था इसका जो आंसर था टू बिट्रे समवन, किसी के साथ धोखा करना, मतलब किसी की पीठ पे वार करना, ऐसा कुछ इसका मतलब निकलता है। उसके बाद पूछा गया था टंग इन चीक, टंग इन चीक उसका आंसर था स्पीकिंग इन एन इनसिंसियर वे, तो किसी से गलत बात करना, किसी को गलत बोलना, किसी से गंदा बात गंदा बोलना, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था पीटर टू दी मेटल, तो इसका सही आंसर है हार्ड वर्क ट्राई टू डू क्विकली, मतलब पैडल टू मेटल, जैसे पैडल होता है ना साइकिल में, एक पैडल होता है वो मेटल का होता है, वो तो उस पे जो हम काम करते हैं तो हार्ड वर्क कहलाता है, तो ऐसे ही रिलेटेड है ये, हार्ड वर्क ट्राई टू डू क्विकली, इसी को हम बोल रहे हैं। उसके बाद पूछी गई थी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर, तो ये जो थी गोरिल्ला, इंडिस्पोजिशन, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पूछी गई थी वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें था पहला वन हु ब्रिंग बैड लक फॉर सम वन, एक वो एक आदमी जो किसी के लिए बैड लक साबित हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं जिनेक्सिट। उसके बाद पूछा गया था अ रूट डेकोरेशन इंस्क्राइब और रॉक और वॉल, तो वॉल और रॉक्स पे जो डेकोरेशन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रैफिटी, ग्रैफिटी इसको हम बोलते हैं, याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे पास आए थे, इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जितने भी 25 क्वेश्चन हैं जीएस के वो बार बार सेम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको याद करने हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो आप तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, तभी वीडियो आप तक पहुँच पाएंगी। और ये चीज़ बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और मैं रोज़ एक वीडियो लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।